दोस्तों, ये आईफोन की तरह जो फोन लॉन्च हो रहे हैं इंडिया में, वो काफी ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। वो कंपनी अभी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, क्योंकि जो आईफोन का जो लुकिंग दिया रहता है उसमें क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा उसको यूज करते हैं दोस्तों। बहुत ऐसा कंपनी है जो कि आईफोन की तरह ही पूरा लुक और डिजाइन आईफोन का कॉपी करके और नया नया फोन लॉन्च कर रही है, और काफी ज्यादा ट्रेंड भी चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, आईफोन की तरह जितना भी फोन लॉन्च कर रही है कंपनी, काफी ज्यादा धमाल मार्केट में मचा रही है दोस्तों। तो मैं ऐसा ही एक स्मार्टफोन लेकर आया हूँ बिल्कुल आईफोन की तरह। और दोस्तों, मैं पहले बात कर लेता हूं कि आईफोन की तरह अगर सबसे पहला किसी का नंबर आता है तो वो आई कॉल का आता है दोस्तों, आई कॉल का। लेकिन मैं आई कॉल के बारे में नहीं बताने वाला दोस्तों। दोस्तों, आप लोग बजट में अच्छा लुक और अच्छा डिजाइन वाला फोन और अच्छा कैमरा प्रोसेसर वाला फोन आप लेना चाहते हो तो दोस्तों, मैं उसी टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ। एक फोन लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है दोस्तों। उसका प्राइस आपको 13,999 रुपए देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और हम बात कर रहे हैं ब्लैक व्यू का, जो कि सितंबर के महीने में लॉन्च किया गया था, सितंबर 2023 में लॉन्च किया है दोस्तों, जब से काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूं ब्लैक व्यू के बारे में। तो इसका लुक और डिजाइन के बारे में बात कर ले तो इसका लुक और डिजाइन कोई शक नहीं है कि आईफोन का टक्कर नहीं दे सकता है दोस्तों, बिल्कुल आईफोन का टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसका जो फीचर्स है काफी जबरदस्त दिए गए हैं दोस्तों। दोस्तों, इस फोन के बारे में पूरा फीचर तो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक बजट फोन खरीदना चाहते हो और बिल्कुल आईफोन की तरह और अच्छा लुक और डिजाइन, अच्छा रैम, अच्छा बैटरी देखने मिले, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें दिया गया है, तो आप ऐसा फोन परचेस करने के लिए देख रहे हो तो ये फोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। दिस फोन इज द वैल्यू फॉर मनी होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल पैसा इसमें बर्बाद नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, इस ब्लैक व्यू के बारे में मैं सारा फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा स्मार्टफोन हमेशा लाता रहता हूँ दोस्तों। अभी अगर बात करते हैं ब्लैक व्यू के बारे में तो ये ब्लैक व्यू एक ब्रांड है दोस्तों, जो कि अभी नया उभर कर आ रही है, काफी जबरदस्त लुक और डिजाइन के साथ फोन लॉन्च कर रही है दोस्तों। ब्लैक व्यू का पहले फोन आता था तो कुछ इस तरह का फोन देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी सितंबर 2023 में लॉन्च किया है जो फोन, बिल्कुल आईफोन का कॉपी किया है दोस्तों। दोस्तों, ये फोन आपको दो कलर वेरियंट में देखने को मिल जाएगा, एक ब्लैक और एक पर्पल कलर में आपको देखने को मिल जाएगा, जो की काफी अच्छा देखने को लगता है दोस्तों। इस फोन में आपको 13,999 रुपए प्राइस में 8 GB रैम, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है दोस्तों, और इसमें आप एसडी कार्ड स्लॉट नहीं लगा सकते हो। इस फोन में जो इंटरनल स्टोरेज दिया गया है काफी बड़ा दिया गया दोस्तों, इसमें ऑफिशियली आपको मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इस फोन के सबसे स्पेशल फीचर्स के बारे में, इस फोन के कैमरा सिस्टम के बारे में, जो कि काफी ज्यादा मायने रखती है दोस्तों। अगर लोग फोन खरीदने के लिए जाते हैं तो आजकल सबसे ज्यादा देखते हैं कैमरा, तो इस फोन के कैमरा सिस्टम के बारे में बात कर ले तो इस फोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिल जाता है, जो कि आईफोन का फिल्ला कर देता है दोस्तों, जिसमें मेन कैमरा आपको 48 MP का देखने को मिल जाता है और 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है और 8 MP का आपको अल्ट्रा सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कि 8 MP का आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है और मेन कैमरा आपको 48 MP का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपको कैमरा सेटअप एवरेज मिलने वाला है लगभग 14,000 के प्राइस में, लगभग 50 MP का होना चाहिए, बट यहाँ पर 48 MP का दिया है, तो यहाँ पर कैमरा मैं कहूंगा कि एवरेज ही दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं इस फोन के वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, जो कि आप 48 MP से तो कितना पी तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इस फोन में आप 14:40 से लेकर 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोस्तों, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में ये फोन बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि 30 FPS और 1440p अच्छा दिए गए दोस्तों। आप HDR का इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है दोस्तों। आप YouTube के लिए वीडियो शूट करना चाहते हो या और किसी ऐप के लिए वीडियो शूट करना चाहते हो तो ये फोन आपको परचेस करना चाहिए दोस्तों। तो 14,000 के प्राइस में इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग काफी अच्छा दिया गया दोस्तों, और लेकिन कैमरा सेटअप इसमें थोड़ा सा एवरेज दिया गया है, 50 MP का होना ही चाहिए दोस्तों। बाकी बात कर ले इस फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में, तो इसमें आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों, और आप 16 MP 720 से 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी फ्रंट कैमरा से भी आप अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोस्तों। और इस फोन में आपको पंच होल डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो दोस्तों, पंच होल डिस्प्ले कैमरा दिया गया है, तो काफी प्रीमियम देखने को लगता है दोस्तों। बाकी बात कर ले इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो की अच्छा ही है, एवरेज ही डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है दोस्तों। दोस्तों, इसमें आपको 120Hz दिया गया है, तो काफी अच्छा रिफ्रेश रेट इसमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। बाकी बात कर लेते हैं फोन के ग्राफिक के बारे में, जिसे हम रेजुलेशन कहते हैं, तो इसमें आपको 1080p से लेकर 2400 पिक्सल का रेजुलेशन देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा बात है, इसमें आपको रेजुलेशन काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है दोस्तों। बाकी दोस्तों, इसमें जो रेजुलेशन देखने को मिला है 1080p और 2400 का, इसमें आपको 405 PPI के सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि काफी अच्छा है। इस फोन में आपको मीडियाटेक हेलियो G99 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों, मतलब चिपसेट में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों, चिपसेट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको 2.2 GHz का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है,
ओक्टा कोर का। जी हाँ दोस्तों, ओक्टा कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है दोस्तों, इसमें आप गेमिंग वगैरह भी अच्छे तरीके से आप कर पाओगे दोस्तों। अगर आप पबजी या फ्री फायर खेलना चाहते हो, इसमें आप HDR पर आराम से पबजी या फ्री फायर खेल सकते हो दोस्तों। बाकी ये फोन आपको NFC 4G बैंड के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 4G के साथ ये फोन को यूज करना होगा दोस्तों। इस फोन में आप 5G का यूज नहीं कर सकते हो दोस्तों। अभी हम बात करते हैं इस फोन के बैटरी सेटअप के बारे में। इसमें आपको लिथियम लायन का लगा हुआ 4380mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है दोस्तों। मतलब 5000 नहीं दिया गया, 4380 मतलब बैटरी इसमें अच्छा ही दिया गया दोस्तों। ऐसे जो महंगे फोन आते हैं उसमें बैटरी आपको कम ही देखने को मिलते हैं दोस्तों। और इसमें आपको 18W के फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब कि एक घंटे में ये फोन फुल्ली चार्ज हो जाएगा दोस्तों। अभी यहाँ पर बात करें इस फोन के थिकनेस के बारे में, जो कि हैंड में अगर हाथ में फोन लेते हो तो काफी अच्छा फील लगता है दोस्तों। तो इसमें आपको 8.6mm का थिकनेस देखने को मिल जाता है दोस्तों। और ये फोन आपको 193 ग्राम भारी देखने को मिल जाएगा, मतलब 193 ग्राम ये फोन भारी है दोस्तों। बाकी सब फोन की तरह इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, फेस लॉक का ऑप्शन दिया है जो कि काफी फास्ट काम करता है दोस्तों। और इस फोन में भी आपको इन द बॉक्स एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिलता है। तो इसमें आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये फोन काफी अलग लेवल तक जाने वाली दोस्तों। और इसमें आपको एंड्रॉइड 14 और 15 का भी अपडेट देखने को मिल जाता है, 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट इसमें आपको दिया गया है। बात करते हैं इस फोन के रेटिंग के बारे में कि आउट ऑफ 100 कितना रेटिंग ये फोन को मिला है दोस्तों। तो इस फोन में आपको 79 out of 100 रेटिंग देखने को मिल जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लगभग 80 आपको रेटिंग देखने को मिल जाता है आउट ऑफ 100, मतलब ये फोन स्कोर अच्छा खासा कर रही है दोस्तों। तो ये फोन काफी अलग लेवल तक जाएगी अगर ब्लैक व्यू का फोन इसी तरह से लॉन्च होगा दोस्तों। ये फोन आप बिल्कुल बाय कर सकते हो दोस्तों। ये फोन आपको Amazon Flipkart पर भी अवेलेबल देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आप वहां जाकर आसानी से ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों। बाकी दोस्तों इस ब्लैक व्यू फोन के बारे में और कोई आपका माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों। इसी तरह के रिव्यू और कंपेरिजन वाला वीडियो अगर देखना चाहते हो या कंपेरिजन अपना फोन का करवाना चाहते हो तो आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है दोस्तों, जिस पर मैं आपका फोन का भी कंपेरिजन कर दूंगा दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।